फरीदा फरूकी साहबा परेशान है। वो कह रही हैं जरा अपने नून लीग वालों को, अपने रहनुमाओं को कि मुझे उस हलके में भेजें जहां पर आपकी आवाज भी हो, जहां लोग आपके हक में भी बोले। मैं जहां भी जा रही हूं आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं। उसे लंदन भेज दे, उधर जो फ्लैट है उधर नून लीग के नारे लगेंगे। मैंने कहा था मेट्रो हॉस्पिटल से जा, जिधर भी जाएगा इसके हक में कोई नहीं बोलता, उसको घर में बैठ के पराठे पका। इमरान खान यूज करने वाले फवाद चौधरी साहब नु बुलाओ हां इत्थे, उन्हें कहो मैदाने जंग च शेरां वांगू खलो। नारा किधर गया जदों इमरान खान जीना मरना तेरे साथ, जरा कुटी फवाद चौधरी दे नाल ही मर गया दिनों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन जरा वीडियो देखिएगा। देख लिया नाज़रीन, ये खरीदा फरूकी हैं। खरीदा फरूकी साहिबा ये कह रही हैं उनको कि भाई अपने नून लीग वालों को कि मुझे उस हलके में भेजें जहां पर लोग आपकी बात करें, आपकी आवाज़ हो जहां पर। ये जहां भी मैं जाती हूं इमरान खान की बात करते हैं, जिस हलके में भी जाती हूं लोग इमरान खान की बात करते हैं। मुझे उस हलके में भेजें जहां पर लोग आपकी बात भी करें। तो खरीदा फरूकी तो कन्फ्यूजन में है, तो वहां से पूछ लेते हैं कि खरीदा फरूकी को किस हलके में जाना चाहिए जहाँ पर नून लीग की बात हो। मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जुड़े हो नाल के की गल है? साइड हो जो इधर इधर पैम। मैं कह रहा मैं एक ड्रामा की था उधर मैं एक ड्रामा की था जैसे जुड़े है सा ऐसे ही ऐसे पीछे तमसील चला ड्रामा की था। अच्छा अच्छा, तो दो जुड़े करैक्टर ने कि जमे ही जुड़े ने ठीक है ना। तो मैं परेशान होया, मैं कह की रोल हो रहा है स्लो स्लो बड़ा इधर कर रहा, मैं कह बंदा मुंह उधर निकल रहा है। सर नाम बताएं सर अपना। राणा आसिफ। राणा आसिफ, क्या बात है। राणा बब्बर शेर होंगे ने। जी जी बिल्कुल। मैं राणे नु वेखिया, जिन्ने खर्चीले राणे होंगे ना कोई भी नहीं होंगे। परतीले भी, परतीले भी ते खर्चीले भी, खर्चीले भी राणे। बिल्कुल यकीन करो, बिल्कुल बब्बर शेर होंगे ने राणे। दो हाँ 2000 पता लग, क्या बात है जी। देने ने राणे बड़ी मेहर। अच्छा जी राणा साहब, खरीदा फरूकी साहबा परेशान है। हाँ। वो कह रही हैं जरा अपने नून लीग वालों को, अपने रहनुमाओं को कि मुझे उस हलके में भेजें जहां पर आपकी आवाज भी हो, जहां लोग आपके हक में भी बोले। मैं जहां भी जा रही हूं आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं। तो खरीदा फरूकी बड़ी परेशान है, कहां जाना चाहिए उन्हें? उसे लंदन भेज दे, उधर जो फ्लैट है उधर नून लीग के नारे लगेंगे, तो उधर नारे लगाएं सुने जाके, उधर उसके सपोर्टर भी मिल जाएंगे उसको। बड़ी परेशान है बेचारी, खाने भी खा रही लेकिन कह रही मैंने उठे भेजो, खुदा का वादा जीते ताड़े हक च। नहीं वो खरीदा फरूकी तो लिफाफा सिस्टम आ गया ना अब, असल बात तो जब लिफाफा होगा तो फिर आपने उसी के गुण गाने जहाँ से लिफाफा आना है, लिफाफा आना है। जब तक इस मुल्क से लिफाफा जे हक च नहीं बोल रहे थे समझो फिर लिफाफे भी बंद। फिर तो लिफाफा सिस्टम चलता है, जो लिफाफा देगा उसके नारे लगेंगे, उसकी बातें होंगी, उसकी तो ये बातें हैं बात ही है। और कोई बात नहीं है, और बात बाकी जो है रियलिटी को मानना चाहिए ठीक है ना। तो अगर आप आज़ाद इलेक्शन करवा लें, आप लोगों को फिल फोर तौर पे छोड़ दें, तो इमरान खान का वोटर आपको सपोर्टर भी नज़र आएगा, वोटर भी नज़र आएगा हर जगह के ऊपर ठीक है। गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन उसको काफ़ी पनिशमेंट मिल गई है, सज़ा मिल गई है। तो अगर उससे कुछ गलतियाँ हुई हैं इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट मौका दें, देखिए क्या करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट मौका देना तो हर इंसान से होती है, ये लोग दूर के दूल्हे नहीं है। तो इश्तिहारी भी इलेक्शन लड़ रहे हैं आज, तो जो वांटेड लोग हैं सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है। तो यार बहुत अच्छी बात, ये चीजें जो है ना भी तो इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, कोई बात नहीं। अच्छा जी खरीदा फरूकी साहिबा कह रही हैं अपने कार अपने रहनुमाओं से, यानी नून लीग के जो रहनुमा हैं उनसे ये कह रही हैं कि मुझे उस हलके में भेजो जहां लोग आपके हक में बोले। मैं जहां भी जा रही हूं आपके खिलाफ ही लोग बोल रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है? वो कन्फ्यूजन में है, तो उनकी कन्फ्यूजन कैसे दूर होगी? कौन से हलके में जाना चाहिए? भाई मैं छोटी सी बात बताता हूँ, उसे असल में इसलिए प्रॉब्लम फेस कर रही है कि वो साफ़ी नहीं है। वो साफ़ी का सिर्फ उसने उसमें कह ले के आगे एक मास्क लगाया हुआ है, साफ़ी नहीं है, वरना उन्हें सारे जगह को पता हो। वो एक्चुअली कारकुन है ना, वो तो मुस्लिम लीग की कारकुन है। असल बात जी जी जी
तो उसका उसका हमें हमारी जो नई कॉम है ना, चले वो कारकुन भी हैं लेकिन वो जा रही हैं तो कह रही हैं कि जी आपके खिलाफ ही वीडियो में दिखाई है तो वीडियो के अंदर भी वो कह रही हैं कि यार आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं, कहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है तो मैं किस हलके में जाऊँ? एक्चुअली किस हलके में वैसे जाना चाहिए जी? एक्चुअली ना हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शऊर मिल गया है, कल उस टाइम गुजर रहे थे कह रहे थे कि कहाँ जाना चाहिए उसे, मैंने कहा था मेंट्रो हॉस्पिटल के जाना चाहिए, वो बंदे ने दोहराई जी जी मेंट्रो हॉस्पिटल जाना चाहिए, और उस तरह उस कबीले के बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मेंट्रो हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, बहुत सारे हैं। ये गरीदा फरूकी हैं, ये अपने रहनुमाओं को कह रही हैं नून लीग के कि भैया मुझे वहाँ पर भेजो जहाँ पर लोग आपके हक में बात करें, मैं जहाँ भी जा रही हूँ लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, तो गरीदा फरूकी को किस हलके में जाना चाहिए जहाँ पर इनके हक में बोले? ये जिधर भी जाएगा इसके हक में कोई नहीं बोलता, घर में बैठ के पराठे पका, पराठे पका, आलू वाले, आलू बैंगन वाले, आलू वाले बैंगन वाले, बस ये दो ही बंदे ने, दो ही बंदा पसंद जेड़े ने तानू, आलू वाले बिल्कुल सही है, यानी कहीं जाना नहीं चाहिए, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, उन लोगों अंदर ही रहो घर पराठे पका आलू वाले। बिल्कुल, मुझे ये बताइएगा ये गरीदा फरूकी साहब हैं, ये अपने रहनुमा नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं जहाँ जहाँ इनको भेज रहे हैं गरीदा फरूकी साहब को, तो वो कह रही है कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ वहाँ लोग आपके खिलाफ बोल रहे हैं, मुझे कोई ऐसा हल्का बताए जहाँ लोग आपके हक में बोले? जी बिल्कुल, इस तरह के बहुत हल्के हैं। तो मेरी बात सुने, उसको ना आप कसूर एक है हल्का 132, ठीक है, उधर से शहबाज शरीफ साहब खड़े हुए थे। हाँ बिल्कुल खड़े हैं अभी भी। हाँ हाँ, तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ गए थे, उनकी गाड़ी को भी घेर लिया था, मैंने वीडियो कराई थी, तो वहाँ उनकी गाड़ी को घेर लिया था, लोगों ने कहा थल्ले आ यार होना है साले। नहीं 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 नहीं, नूल लीग के बढ़िया मैं तो थे असले, मेरे मोबाइल में भी उसके क्लिप हैं। चलो माशाल्लाह, मैं भी उसी जगह जहाँ भी हो हमने तो सुनानी होती है अब आपकी। जी जी, उधर नूल लीग का बड़ा गरीदा फरूकी की कंफ्यूजन दूर हो गई है, 132 में आए वो, 132 हल्के के अंदर, और 179 जो है ना MPA का जो मलिक मोहम्मद अहमद खान लड़ रहे हैं ना इलेक्शन, उधर आए। हाँ वहाँ नून लीग का बहुत ज्यादा जो है ना इस वक्त जोर शोर है। लो जी गरीदा फरूकी साहब आपकी कंफ्यूजन, उधर से आप इसको हम फलूदा भी खिलाएंगे और कसूर के दरसे भी खुलाएंगे और कसूरी मेथरी भी लेके देंगे, कसूरी मेथी भी लेकर देंगे, वेरी गुड। गरीदा फरूकी साहबा कह रही हैं नून लीग के बंदों को जो रहनुमा है MNA MPs हैं उनको कह रही हैं मुझे उन हलकों में भेजो जहां लोग आपके हक में बोले, मैं जहां भी जाती हूं आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं लोग। यार भाई ने गल इंज है कि सच कह रही है, खुदा नु हाजर नाजर करके कहने हैं, इक्की मां ने लाल जमया सी ओंदे नाल दा ना जमना है ते ना आना है, ते या दुनिया दे दो बंदे वेखे ने, या सुदाम हुसैन शहीद ते दूजा साडा बंदा खान। मैं कसम दवा लो ला इला इल्लल्लाह, मैनू मेरे प्यो दी कसम, मैं अपने प्यो दा जनाजा भी चुक्या ते महीना पहले मेरा प्यो कहंदा रिहा खान खान, हस्पताल विच भी खान, इमरान खान सानू पता है, ए रंगबाजी सारी शेर आ गया, लीम खान आ गया इकट्ठी पोस्टर ला लेने, ओही लीम खान ने जेड़ा कहंदा इन्हां नू टांग दे कहने टांग दे, सब रंगबाजी है सानू थोड़ी पता ही जू ए माई का लाल आया इन्हें दसिया पुत्र सियासत है खा रहे ने शेर शेर कह के शेर वो नहीं खा ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ਾਰਡਰ ਰੰਗ ਬਾਜ਼ੀਏ ਜੋ ਬੱਚਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾ ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਆਈਏ ਆਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇੜਾ ਖੜਕ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਸੁਣਨੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਵਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਅ ਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਲੋ ਬਣਾਈ ਸੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜਰਾ ਕੁੱਟੀ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੜ ਗਿਆ ਦਿਨੋਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਪਿੱਛੇ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚੱਲਾ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਇੱਥੇ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਬਾਤ ਬਾਤ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਹੈ ਅਸਦ ਉਮਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ
ਕਿਉਂ ਵੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਆ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਖਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਮੇਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿਨੁਮਾਓਂ ਕੋ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਹਾਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੂੰ ਆਪਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਪਕੇ ਹੱਕ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤੋ ਖਰੀਦਾ ਫਰੂਕੀ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੈਸੇ ਦੂਰ ਹੋਗੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ घर जाके उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी नहीं नहीं घर जाके उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी बिल्कुल क्योंकि वोट में भजन लड़ाई जोन सी होती है ना लड़ाई वो दो तो एक मज़ा आना चाहिए लड़ने का ठीक है एक तरफा लड़ाई का मज़ा नहीं ना आ रहा यकीन मानो बहरहाल जी यक तरफा लड़ाई का मज़ा नहीं आ रहा कहने का मकसद ये है जो आपने लोगों का सुना है कमेंट्स वगैरह हमारा काम ये होता है कि आवाम की आवाज़ आप तक पहुंचानी है जो गलत बात है वो हमने आप तक नहीं पहुंचानी होती जो असल चीज़ है वो हमने आपको पहुंचानी होती है फेक चीज़ हमने आप तक पहुँचानी नहीं होती हमारा काम ये होता है आपने आवाम की आवाज़ सुन ली जो आवाम चाहती है बहरहाल हमारा काम होता है आपको हंसाना आपके चेहरे के आंसू चुराना हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा इज्जत दें इज्जत लें मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट्स करते रहें और हमने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है और उसका लिंक नीचे दिया है व्हाट्सएप उसको भी फॉलो कीजिएगा और मस्करिया चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सुसरा आपके साथ है क्योंकि सुसरा आपके साथ है।